हेलो डियर यूट्यूब टीम, मेरा नाम है कृष्णा वासने और मेरे चैनल का नाम है कृष्णा कंप्यूटर अलीगढ़। अगर आप इसके यूआरएल की बात करें तो सर मेरा चैनल का जो यूआरएल है वो मैंने आपको नीचे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे सर ये मेरे चैनल का यूआरएल है और आप चाहें तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि मेरे चैनल का जो यूआरएल है वो देखिए यहाँ पर आ रहा है। मैं कस्टम पर जाता हूँ और यहाँ से देखिए बेसिक इन्फो में ये सर मेरे चैनल का है यहाँ पर यूआरएल। अब सर मैं अगर अपने चैनल की बात करूँ तो देखिए सर मेरे चैनल के ऊपर जो हाईएस्ट वीडियो है उस पर 23.5 के व्यूज़ हैं, 1.7 के का वॉच टाइम है और 143 का यहाँ पर देखिए सर मेरे पास सब्सक्राइबर है। अगर यहाँ वीडियो की रीच भी मानूँ तो सर देखिए यूट्यूब सर्च के द्वारा यहाँ पे 88.9% है। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कैप्चर स्क्रीन रिकॉर्डर को और जब मेरी फाइल यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है तो रिकॉर्ड होने के बाद वो चली जाती है माई कैप्चर के अंदर। यहाँ पर सारी सारी फाइलें रिकॉर्डिंग की आ जाती हैं और वीडियो को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर एडोब प्रीमियम प्रो को यूज करता हूँ। अब मुझे जिस फाइल को भी यहाँ से एडिट करना होता है मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ चलता हूँ सो इन फोल्डर पर। जैसे ही यहाँ पे फाइल आ जाती है मैं उसको ड्रैग कर लेता हूँ अपनी टाइमलाइन पर और जो भी मुझे करना होता है उस पार्ट को मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। अब बात आती है कि मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड किस तरीके से करता हूँ। तो वीडियो को रिकॉर्ड करने का तरीका जो है वो मेरा कुछ इस तरीके का है। रिकॉर्ड करना है तो हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं स्क्रीन कैप्चर रिकॉर्डर। इसके बाद मुझे जो भी काम करना है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर रहा हूँ तो इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे हम यूज करते हैं रेंट ब्रैकेट और जो भी हमारी पावर है हम यहाँ पावर लगा के ब्रैकेट पे एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। अगर हमें पैराग्राफ के अंदर किसी भी मैटर को हेडिंग बनाना है तो हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर अपनी वॉइस को यहाँ पर बोलता जाता हूँ और कंप्यूटर के अंदर जो भी मैं चीज़ें समझाते जाता हूँ उसके बारे में मैं अपनी ऑडियंस को अपने स्टूडेंट को यहाँ पर सिखाता जाता हूँ। वीडियो की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इसको यहाँ पर एडोब प्रीमियम प्रो में इंपोर्ट कर लेता हूँ और एडोब प्रीमियम प्रो में अपनी वीडियो के अंदर जो भी मुझे कट वगैरह लगाने होते हैं उन सभी फाइल्स के अंदर मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ और कट लगाने के बाद उसमें जो भी वीडियो का पार्ट मुझे हटाना होता है उस फाइल के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से उसको कर देता हूँ डिलीट और डिलीट करने के बाद उस एरिया को सेट करके मैं यहाँ से जाता हूँ एक्सपोर्ट पर और अपनी वीडियो को यहाँ से कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। नॉर्मली मैं 1080 पर रखता हूँ, अगर 4K की कभी रिक्वायरमेंट होती है तो 4K करके मैं यहाँ से कर देता हूँ एक्सपोर्ट। और वीडियो को एक्सपोर्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप मेरे YouTube चैनल पर देखेंगे सारी सारी कंप्यूटर ट्यूटोरियल की वीडियो हैं जिसमें दोस्तों मैंने यहाँ पे जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट एक्सेस सभी वीडियोस के बारे में सिखाया है। अगर मैं यहाँ से अपने कस्टम चैनल पर चलता हूँ तो देखिए कस्टम चैनल का लिंक ये आ गया और मैं अगर अपने चैनल पर आता हूँ और यहाँ से अगर मैं कंटेंट को खोलता हूँ और कंटेंट के ऊपर जाके मैं अपनी हाईएस्ट वीडियो को देखता हूँ तो मेरी हाईएस्ट वीडियो पर 33,476 यहाँ पे व्यूज हैं। अगर मैं वीडियो को आपको प्ले करके दिखाऊं तो देखिए वीडियो कुछ इस तरीके की है मेरी। क्या दोस्तों आप भी बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की खूबसूरत सी वॉच जो दोस्तों आपको देखने में भी अच्छी लग रही होगी और चलने में भी आप दोस्तों देख रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो दिखाता हूं तो देखिए मैं आपको अपनी अगली वीडियो दिखाता हूं जिसमें मैंने किस तरीके से अपना कंटेंट बनाया है। तो फाइनल दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अकाउंटिंग यानी कि टैली तो इस तरीके का कंटेंट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूं। आप यहां देखेंगे तो सभी वीडियोस के ऊपर काफी अच्छे व्यूज हैं और अगर मैं अपने वीडियो का वॉच टाइम वगैरह भी काउंट करूं तो सर मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। तो सर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था लेकिन मेरा मोनेटाइजेशन यहां पर नॉट अप्रूव्ड हो गया है। तो किसी कारण से सर मेरे चैनल के ऊपर आ चुका है रीयूज कंटेंट, यहां पे अपील का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहां पे अपील वीडियो आपको बना के दे रहा हूं तो यहाँ पर आप सर देख रहे होंगे 1061 मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर हैं और मेरे चैनल के ऊपर अगर हम वीडियो की बात करूँ तो 153 वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड की हैं जिनमें सभी की सभी कंप्यूटर ट्यूटोरियल की हैं। इसमें किसी और का थंबनेल कंटेंट या किसी तरीके का कोई म्यूजिक मैंने यूज नहीं किया है। अगर मैंने म्यूजिक कहीं पर यूज किया है ना के बराबर तो वो भी मैंने आपकी यूट्यूब की लाइब्रेरी से उठाया है। तो आप मेरे चैनल को एक बार के लिए मैनुअली पूरा का पूरा रिव्यू करिए और रिव्यू करने के बाद मेरे चैनल को यहाँ पर कर दीजिए मोनेटाइज ताकि ये रीयूज कंटेंट की जो प्रॉब्लम है ये यहाँ से सॉल्व हो जाए और मेरा चैनल यहाँ पर हो जाए मोनेटाइज। तो सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को पूरा मैनुअली रिव्यू करने के बाद पूरे चैनल को यहाँ पे मोनेटाइज करने की कृपा करें। तो सर इसको प्लीज़ आप रीयूज कंटेंट को हटा के यहाँ पे इस चैनल को मोनेटाइज कर दीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके इससे अर्निंग शुरू करवा दीजिए। तो प्लीज़ सर थैंक यू सो मच सर।